Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics class 9th, chapter number 6, its numerical problem from 6.7 till onward, dear students. Before starting this video if you have not yet subscribed to my channel then do subscribe my channel which is quick learn academy by arusairam and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go dear students firstly we will read out a the statement then we will extract the data apply the relevant formula after calculation we will get our required result dear students now let's get started 6.7 numerical problem statement is a man pulls a block with a force of 300 newton through 5 meter in 60 second find the power used by him to pull the block so dear students ye F key value have a distance hai, which is s or ये डिस्टेंस है विच इज एस फिफ्टी मीटर और ये जो सेकेंड है ये टाइम का यूनिट होता है इट इज आउट करनी है पी की वैल्यू तो डियर स्टूडेंट्स मैंने डेटा को लिख लिया है विच इज ऑन द स्क्रीन एज एफ इज थ्री हंड्रेड न्यूटन एस इज फिफ्टी मीटर टाइम इज सिक्स एंड वी विल द वैल्यू ऑफ पावर और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि पावर जो है वो वॉक डन पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है वी नो दैट पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी के इक्वल होता है और W जो है क्योंकि यहाँ पे W की वैल्यू नहीं दी हुई F और S दिया हुआ है और हमें पता है W इज़ इक्वल टू एफ एस के इक्वल होता है तो आप इस फॉर्मूला में W की जगह पे एफ एस को पुट डाउन करेंगे देन यू विल गेट एफ एस ओवर टी अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दें जो आपके पास गिवन डाटा में है फोर्स इज़ थ्री हंड्रेड एस इज़ फिफ्टी टी इज़ सिक्सटी

फिफ्टी के जी के इक्वल है टाइम उसने कितना लगाया ट्वेंटी सेकेंड कितने नंबर ऑफ स्टेप्स तक पहुंचने के लिए ट्वेंटी फाइव स्टेप्स हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर उन स्टेप्स की हाइट जो है वो सिक्सटीन सेंटीमीटर के इक्वल हो तो तो डियर स्टूडेंट्स डाटा को मैंने लिख लिया है विच इज़ मैस ऑफ द मैन इज़ फिफ्टी के जी टाइम ट्वेंटी सेकेंड था हाइट ऑफ ईच स्टेप जो है वो सिक्सटीन सेंटीमीटर है सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने हंड्रेड के साथ डिवाइड कर लेना है देन यू विल गेट जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर और हाइट ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टेप्स जो हैं वो कितनी होंगी जीरो पॉइंट वन सिक्स को ट्वेंटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट फोर मीटर और आपने पावर जो है ये फाइंड आउट करनी है अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी के इक्वल होता है और W इज इक्वल टू होता है एम जी एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच के इक्वल होता है तो आप इस फॉर्मूला में पुट डाउन करेंगे देन यू विल गेट एम जी एच ओवर टी एम मैस कितना है इट इज फिफ्टी जी की वैल्यू टेन है हाइट फोर है टाइम कितना लगा ट्वेंटी सेकेंड आप इन सब वैल्यूज की कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट हंड्रेड वॉट एंड इट इज आवर फाइनल आंसर इसके बाद डियर स्टूडेंट सिक्स पॉइंट नाइन प्रॉब्लम है विच इज कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पम्प विच कैन लिफ्ट टू हंड्रेड के जी ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ सिक्स मीटर इन टेन सेकेंड मैस जो है वो टू हंड्रेड है हाइट जो है वो सिक्स मीटर है टाइम इज टेन सेकेंड और आपने पी की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है तो डियर स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर आपको गिवन डाटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मैथ इज टू हंड्रेड के जी हाइट इज सिक्स मीटर टाइम इज टेन सेकेंड एंड वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर एंड वी नो ये आपके पास प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह है वी नो डैट पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओपर टी के इक्वल होता है और डब्ल्यू किस चीज के इक्वल होता है इट इज एम जी एच और टी आपने मैथ की जगह पे टू हंड्रेड पुट कर देना है जी की वैल्यू टेन है हाइट इज सिक्स एंड डिवाइड इट विद टेन आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज ट्वेल्व हंड्रेड वॉट आप इसको हाईलाइट करके लिख लें तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड लास्ट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें सिंपल फॉर्मूला पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बल टी लिखेंगे डब्ल्यू की जगह पे एम जी एच को पुट डाउन करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज ट्वेल्व हंड्रेड वॉट्स

डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एट हंड्रेड गिवन है इसके अलावा टाइम कितना लगा टाइम वाज टेन मिनट और हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन एंड एफिशिएंसी वर्क डन और एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने और दो और इम्पोर्टेंट बातें गिवन डाटा ही की फॉर्म में गिवन है विच इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन थाउजेंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ वन लीटर ऑफ वाटर इज वन के जी तो डियर स्टूडेंट्स डेटा को मैंने लिख लिया है विच इज वॉल्यूम एट हंड्रेड लीटर टाइम टेन मिनट है जिसे हम सेकेंड में करने के लिए सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे देन वी विल गेट सिक्स हंड्रेड और हमें पता है पावर वन हॉर्स पावर की इक्वल होती है एंड इट इज इक्वल टू सेवन फोर्टी सिक्स वॉट वन हॉर्स पावर सेवन फोर्टी सिक्स वॉट की इक्वल होती है तो पी इज इक्वल टू तो सेवन फोर्टी सिक्स वॉट आएगा हाइट इज फिफ्टीन मीटर और हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन एंड द एफिशिएंसी तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला काफ़ी बार अप्लाई किया है विच इज़ पी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी और यहाँ पे आपको पता है W ओवर टी हमने डब्ल्यू को फाइंड आउट करना है डब्ल्यू यहीं पे रहेगा और टी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी क्या है आपके पास सेवन फोर्टी सिक्स और टाइम कितना लगा सिक्स हंड्रेड जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट डबल फोर सेवन सिक्स डबल जीरो जाऊ ये आपके पास वर्क डन आ गया अब हमने दूसरी चीज जो है एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और ये जो वर्क डन है ये एन इनपुट काम कर रहा है ये भी आपने यहां पे याद रखना है अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये आप लाजमी मैंशन कर लें वी नो दैट वन लीटर ऑफ वाटर वन के जी ऑफ वाटर के इक्वल होता है तो ऐसा करने से एट हंड्रेड जो लीटर्स हैं वो एट हंड्रेड के जी के इक्वल होगा क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम गिवन था तो हमने उसको मैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास मैस बन जाएगा एट हंड्रेड के जी तो डियर स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू एम जी एच आप ये लिखेंगे मैथ आ गया एट हंड्रेड जी आ गया टेन एंड हाइट इज फिफ्टीन जब आप इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट वन दिस इज आवर आंसर ये हमारे पास वर्क डन आ गया तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये वर्क डन जो है ये हमारे पास आउटपुट है ये हमारे पास क्या है आउटपुट तो हमें दो बातों का पता चल रहा है क्योंकि हमने हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एफिशिएंसी परसेंटेज जब हमने कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास जो फर्स्टली वर्क डन फाइंड आउट किया था इट वॉज आवर इनपुट ये हमारी क्या है ये एज एन इनपुट है जबकि आउटपुट हमारे पास ये आ गया जो अभी हमने कैलकुलेट किया है अब हम लोग एफिशिएंसी परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी, इसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आउटपुट की वैल्यू को आप पुट डाउन करें उसके बाद आप इनपुट की वैल्यू को पुट डाउन करें हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करा दें ऐसा कराने से आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट परसेंटेज इट इज़ आवर परसेंटेज एफिशिएंसी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया जो हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था ये हमारे पास सेकेंड थिंग है विच इज़ परसेंटेज एफिशेंसी और फर्स्ट थिंग क्या थी इट वॉज द इट वॉज द वर्क डन तो डियर स्टूडेंट्स इस नोमरिकल प्रॉब्लम में बेसिकली दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर नुमरिकल्स बट नॉट टू सो मच डिफिकल्ट आपने क्या करना है सबसे पहले वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी फॉर्मूला लगाना है ये हमारे पास क्योंकि हमने डब्ल्यू फाइंड आउट करना है टी डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आप कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट योर वर्क डन विच इज़ विच एक्ट एज एन इनपुट और इनपुट के बाद आपने आ, ये जो वर्क डन है एफिशेंसी परसेंटेज निकालनी है उसके लिए हमें आउटपुट भी चाहिए सबसे पहले आप वन लीटर ऑफ वाटर को वन के जी ऑफ वाटर कह दें वन लीटर एट हंड्रेड के जी के इक्वल हैं तो ये आपके पास मैथ्स आ गया इट इज एट हंड्रेड के जी इसके बाद आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपने आउटपुट की वैल्यू जो है एम जी एच फॉर्मूला लगाएंगे जो वर्क डन आएगा इट एक्ट एज आउटपुट परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कराएंगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज़ ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट परसेंटेज डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Which is Quick Learn Academy by Arusayram and thank you so much for listening.